जय गुरु। चलिए आज आलोचना करते हैं कि दीक्षा लिए बिना हम भगवान का अनुग्रह मिल पाएगा या नहीं, दीक्षा छड़ा भी भगवान का अनुग्रह पाई हुए कि नहीं। जड़े पचारे जदि सदगुरु लाभ न करी थाए किंतु आकुल आग्रह नहीं भगवान को डाके भगवान पथरे चले भगवान का अनुग्रह कौन से पाइबनी। इसे तो हसी से ठाकुर कहले ध्रुव काले पद्म पलाश लोचन पाई पागल हो जाते दिन राति व्याकल हो डाकर से ही डाक शुणी पद्म पलाश लोचनर सिंहासन टली उठला। किंतु सेतेबेले से नारद को डाकी कहले नारद तुम्हें ध्रुव को दीक्षा दियो ता नहले तो मु देखा दे पारुनी। सेतेबेले नारद आसी दीक्षा देले तापर पद्म पलाश लोचन आविर्भूत हेले। परम पिता कहीं जदि आंतरिक भाव चाहे से निजे भी खोजाखोजी करे आउ परम पिता दयारु तार जोगाजोग भी हो जाए। पाइव गले करो ए गुरु भाई ने पूछ रहे यदि सदगुरु लाभ नहीं हुआ है लेकिन बैकुल से भगवान को पुकारता है तो भगवान का अनुग्रह उसे मिलता है। थोड़ा सा हंस के से श्री ठाकुर जी बोल रहा है ध्रुव एक बार पद्म पलाश लोचन के लिए पागल होके बुलाए थे, दिन रात बैकुल होके पुकारते थे, उनका पुकार सुन के पद्म पलाश लोचन का सिंहासन टलने लगा था। किंतु उसी टाइम नारद को बुला के बोले थे नारद तुम ध्रुव को दीक्षा दे दो नहीं तो मैं उनको दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ। उसी टाइम नारद आके दीक्षा दान दिए थे। उसके बाद पद्म पलाश लोचन आविर्भूत हुए हैं। परम पिता को कोई यदि आंतरिक भाव चाहता है और खुद अपना आप ढूंढता है और परम पिता का दया से उनको फिर मिलता है, ये कर पाने से ये संभव हो पाता है। आलोचना प्रसंग अष्टम खंड 12/5/1946। जय गुरु।